एवरीवन, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो गाइस, टाइम कितना हो रहा है मैं अभी आपको बताती हूँ। 9:46 हो रही है और अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट बच्चे नमस्ते। जाते हैं तो वो कौन फ़ोन ही नहीं दे रहा छोटा वाला। तो अभी मैंने इससे फ़ोन लिया। हेलो करो सबसे, ऐस करो हैंड से हेलो हेलो। और देखो मनु वहाँ लेटा है, और देखो कपड़े हमारे ना कहाँ से कहाँ तक पड़े हुए हैं। मैं अभी आपको बताऊँ क्यों पड़े हुए हैं। इधर पड़े और हमने 3-4 बैग पैक कर लिए, मतलब उनमें ना वैसे कपड़े हैं, वो उधर उसमें कपड़े रख लिए, इधर भी हैं। तो काफ़ी देर हो गई हमको लगे लगे, क्योंकि कल हमें जाना है ससुराल, मतलब अपने ससुराल जाना और हस्बैंड जी के गाँव जाना है और बच्चे इनके भी गाँव जाना है भाई। कहाँ जा रहे हो कल दादी पास? बोलो कहाँ जाएगा बता, बोलो जल्दी। बोल। अम्मा पास, अंकल पास? मम्मा वो तो मम्मा के पास, मम्मा के पास तो है ही। अभी तूने कह रहा मम्मा पास, चल दवाई पी के, जल्दी जा जा दवाई पी ले। दवाई है है मनु, आप पी लो दवाई। मनु कह रहा कान में दर्द हो गया रात, और उसके बाद ना फिर ये इसको दवा दे दी थी तो ठीक सा हो गया था। फिर जब स्कूल गया लेगा फिर तो उसके बाद मारे। इसको लेवा के ले गए, फिर डॉक्टर से दवा दिलवाई, तो अभी इसकी दवा चल रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। और ये भी मतलब बोला था कि इससे साफ़ कर लेना इसका कान, तो मैं नहीं करती थी कि मुझे ना डर लगता कभी कान में अंदर ना चला जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए बच्चों को, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो इसीलिए पता नहीं वो क्या बोलते हैं, ठेक वगैरह भर गई, वो मेरे यहाँ तो ठेक ही बोलते हैं उसको, ये वो उसमें भर दर्द गई हो हुआ रहा हो। तो अभी तो उसको दवाई दिलवा दी है, बट यही साफ़ करेंगे, मुझसे नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरी एक साड़ी वहाँ भी है। ये 3-4 जो आपको झोले से दिख रहे हैं ना, इनमें ऐसे वैसे कपड़े जो कि नहीं पहनती, और घर ले जाऊंगी तो ये किसी काम में आ जाएंगे, जैसे कि वहाँ तो आते रहते हैं कपड़े लेने वाले, तो उनको दे दो। तो फिर इसीलिए ये किसी न किसी काम में आ जाएंगे। और वैसे ना यहाँ पे ना ये भी बड़ा बड़ा सेफ में भी इतने ज़्यादा कपड़े की बहुत ज़्यादा, तो फिर ना क्या फ़ायदा फालतू में रखने से, अच्छा है कि किसी चीज़ में यूज हो जाए। और ये जो मेरी जैकेट है, हस्बैंड जी की जैकेट है, तो ये मैंने ऐसे निकाली क्योंकि अभी तक मैं अपनी कोई भी जैकेट नहीं निकाली, जबकि कितना आज 15 तारीख हो गई, आधा मतलब दिसंबर 15 की आ गया, सप्ताह। और मैं कोई भी अपनी जैकेट एक भी नहीं निकाली। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ, बस एक ये वाली जर्सी निकाल ली थी, एक और थी हाफ स्वाटर रेड कलर का और एक वाइट। बच्चे दवाई पी रहे हैं तो रो रहे हैं, तो दो वो निकाली थी और वरना मैं कोई भी नहीं निकाली। अभी तक मेरा उसी में काम चल रहा था, दिन में तो हाफ पहन लेती थी, रात में ये पहन लेती थी। अब मैंने दो जैकेट निकाली है, एक कोट निकाला अपने लिए, क्योंकि अब जा रही हूँ तो वहाँ तो फिर लेके ही जाना पड़ेगा, तो मुझे अभी ये समेटना भी है सारा का सारा। और बट काफ़ी लेट हो कहीं गया। जब जाते हैं ना तो जाके भी करके जाओ और आओ तब भी करो, क्योंकि अभी मैंने इतना सारा ये निकाला, फिर आऊंगी तब मुझे ये रखना पड़ेगा। गोलू इधर आओ, गोलू गोलू रो रहा है मेरा। तो मैं सोची अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था और हमने ना हीटर निकाल लिया। ये देखिए मैं हीटर के पास ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि ना अब ठंड होने लगी, और मेरे ना कई दिन से, पता नहीं कई दिन से नहीं, कल से मेरे पूरे फेस में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो दवाई लेके आई मैं भी, और अभी दवा खा ली तो थोड़ा सा आराम सा लग गया है मुझे। नविस रो रहा, क्यों रो रहा है? दवाई पीने के लिए, उसकी दवाई है वो पी लेता है, तो वो पूरा मुझे इसकी भी वो तो गोली के लिए, जो छोटी छोटी नहीं आती जो मिट्टी नहीं खाते बच्चे वो वाली, इनके लिए बोला था, ये शायद भूल गए। तो चलिए बहुत सारा ये देख सकते हो आप, कहीं से कहीं हमने निकाल निकाल के सारा कर लिया है। इसमें वैसे कपड़े हैं जो मुझे रखने हैं अभी पीली। चलो तो आप लेट जाओ, अभी मैं उधर को लेट जाओ, तो मैं अभी इसको साफ कर दूंगी, फिर आप उधर हो जाना उसको। इसके भी पीनी, इसकी वो वाली टेबलेट ही ले आते तो ज़्यादा सही रहता, उसको भी दवाई पीनी है छोटे वाले को भी। एक ट्रॉली बैग भर गया मेरा, ये देखिए मैंने ना अपना पर्स भी कर लिया, बैंगल्स वगैरह सब कुछ रख लिया है।
तो फ्रेंड आपने लड़के की शरारत तो देख ली, और अभी मैं आ गई फिर से, बेड खोल लिया है तो इसमें थोड़े बहुत कपड़े हैं वो रख दूंगी, हाँ जो कि मुझे नहीं ले जाने हैं वो, तो बेड शीट को भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि ना हम लोगों ने मूंगफली खाई थी ना, तो उसका छिलका इधर से उधर हो गया है, तो वो भी मैं कर देती हूँ साफ, उसको झाड़ देती हूँ। ये देखिए, और कुछ कपड़े हैं जो कि वो भी हटाने हैं मेरे को अभी, तो करते करते काफ़ी देर हो गई थी, वीडियो तो मतलब छोटा ही होता है। और ये देखिए, मैं जो मुझे ले जाने ना वो मैं रखे दे रही हूँ, और ये बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, और जो हमको पहनने वो तो हम ट्रॉली बैग में लगा लिए हैं। तो ये देखिए, ये बच्चों के मतलब घर के कपड़े हैं जो पहनते हैं इनको, और वो मैं इनको तय करके रख देती हूँ, और इधर से भी मैं सारा साफ कर दूंगी। देखिए ना, बहुत ज़्यादा छिलके छिलके से हो रखे हैं इधर, मतलब मनी सो रहा है तो फिर मैंने उसको उठाया नहीं, ऐसे ही झाड़ दिया, जैसे कि पता ही है तबीयत खराब। और यहाँ पर ना मेरे को ब्लाउज निकालना था एक साड़ी के साथ का, तो वो मैं निकाल रही थी, फिर देख रही कि दूसरी साड़ी निकाल लूँ, फिर समझ में आया कि नहीं मैं ब्लाउज ही निकाल लेती हूँ, तो इसमें ना मेरे ब्लाउज ही ब्लाउज हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं दो ब्लाउज निकाल लूँ, जौन सा मुझे अच्छा लगेगा वो मैं पहन लूँगी, ब्लैक भी है और वाइट भी है, दोनों हैं। और रात में ही मैं इसको मतलब कुछ तो मैंने जो अपने कपड़े थे ना वो तो मैं सुबह में रख ली थी, और जो वैसे ले जाने थे वो मैं नहीं रखी थी, तो वो रखना बाकी था, और वो भी रख दिए हैं मैंने। तो चलिए मैं गोलू से मिलवाती हूँ फिर से आपको। ओए गोलू, गोलू क्या कर रहे हो? देखो सारे सॉक्स ये ना उसमें करके लाया, आटे में आटे से दिए, देखो सारे कपड़े किस क्या करके आए हो, क्या किया था आपने? है गंदा लड़का, आटे से खेल के आया है ना, वो मूंगफली के छिक्कल उठाए यहाँ से, छिक्कल है वो, छिक्कल उठाओ, छिक्कल उठाओ मूंगफली के। हाँ नहीं वो तो बच्चों के ना, मैं उसमें रखूंगी तो, नहीं बच्चों के नहीं, तो इसी में रख जाएंगे, मैं रख लूंगी ये डस्टबिन में डाल। वेरी गुड भैया, कपड़े तो गंदे कर लिए आपने, हैं? ये वो लड़का सो गया देखो मेरा, पर ये नहीं सोएगा, ये शैतानबाजी करता रहेगा डैडी डैडी करके। चल सो जा सो जा सो जा, आटे में करके लिया आया सॉक्स, देखो इसके पीछे से हेलो कर रहे हो गोलू साहब से, हेलो क्या कर रहे हो आप साहब, कैसे हो आप सब, आप सब कैसे हो बोल। ये देखिए फ्रेंड, एक गिर जाएगा हीटर पर गिर जाएगा, लेकिन आज हमारा बहुत सारा घर फैल रहा भी, तो हम समेट नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड मैंने ना बर्तन थे मतलब ज़्यादा नहीं थे, तीन चार बर्तन थे वो भी साफ कर दिए हैं, और सारा काम मैंने कर दिया, किचन भी मैंने साफ कर दी क्योंकि वो गंदी हो रही थी, और ये गोलू सारा आटा फैला गया इसमें से, पानी लोगे? एक मिनट इसको पानी ले देता हूँ, ये गर्म पानी नहीं पीते बच्चे, मैंने ना अभी गर्म पानी पिया था उसमें, रुक जा अभी उसमें से ना मिक्स कर दूंगी थोड़ा, गर्म पानी नहीं पीता ये, ठंडा ही पिएगा क्योंकि ठंडा बहुत अच्छा लगता है, कैप लगा रखा मैंने तब से, ये अभी तक हटाया ही नहीं, काफी देर हो गई मुझे काम करते करते, खांसी आ रही है, सारा आटा फैला गया ये लड़का उसमें से, और ये इसको ना आटे से बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा खेलता है, तो सारा काम मेरा फिनिश हो गया अभी किचन का भी। तो अब इस वीडियो का तो मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, और मैं क्यों जा रही हूँ ससुराल, किस लिए जा रही हूँ अचानक से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, यहीं पे एंड कर देती हूँ, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है, पानी गर्म कर लिया है मैंने पीने के लिए, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट आप सभी को, क्योंकि नाइट का टाइम हो रहा है, टाइम भी काफ़ी हो गया, 11:11 ही मिनट हो गई है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।